वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण पर मंथन लगातार जारी है और आज जारी हो सकती है आरक्षण की नीति। ग्राम प्रधान पंचायत सदस्य में चक्रानुक्रम आरक्षण हो सकता है। वहीं इस बार यूपी में 57,207 प्रधान चुने जाएंगे और आज आरक्षण को लेकर नीति जारी हो सकती है। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर मंथन लगातार जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज आरक्षण की नीति जारी की जा सकती है। ग्राम प्रधान पंचायत सदस्य में चक्रानुक्रम आरक्षण मिल सकता है और इस बार यूपी में आपको बताते चलें कि 57,207 प्रधान चुने जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और आरक्षण पर मंथन भी जारी है। आज आरक्षण की नीति जारी की जा सकती है। जय त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। जय, पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर लगातार मंथन जारी है, कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज आरक्षण की नीति जारी हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल आदित्य जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, पंचायत चुनाव बिल्कुल उसको लेकर कहीं ना कहीं आरक्षण था, आरक्षण को लेकर बहुत मामला चल रहा था, तो उस पर कहीं ना कहीं अब एक मंथन होने जा रहा है जिससे आज ये आरक्षण पे ही बात किया जाएगी, आरक्षण की नीति को लेकर। और जो ग्राम प्रधान पंचायत सदस्य के जो चक्रानुक्रम आरक्षण है उन पर किस तरीके से किसको किस तरह प्रधान चुने जाएंगे, इन सब बातों को लेकर आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश के 5,72,207 प्रधान चुने जाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि लगातार आरक्षण के मंथन के बाद ही इन लोगों का चुनाव किया जा सकेगा। जी आदित्य जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय, पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।